आज राहुल के गढ़ में गरजेंगे मोदी, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार अमेठी में करेंगे चुनावी रैली। मोदी की रैली को लेकर बीजेपी ने की जमकर तैयारी, लाखों की भीड़ जुटाने का किया दावा। मोदी की रैली में मंच पर जुटेंगे बीजेपी के कई दिग्गज नेता, रैली में आडवाणी, सुषमा और अरुण जेटली के भी शामिल होने की चर्चा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया दावा, अमेठी के इतिहास में होने वाली ये सबसे बड़ी रैली। हमने बूथ के कार्यकर्ताओं को उनके हिसाब से आवश्यक संसाधन दिए हैं, स्वयं लोग अपने अपने संसाधन से अपनी प्रेरणा चाह रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि अमेठी के इतिहास की सबसे बड़ी रैली कल होने जा रही है। रविवार को बहन प्रियंका के साथ अमेठी में राहुल का रोड शो, बोले जब तक जिंदा हूँ अमेठी का होकर रहूंगा। मैं यहाँ जब तक जिंदा हूँ तब तक मुझे। अमेठी में प्रचार के आखिरी दिन आज प्रियंका करेंगी तूफानी प्रचार, भाई राहुल के लिए मांगेंगी वोट। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह का आजमगढ़ में मुलायम पर हमला, एसपी मुखिया को आतंकवादियों का पैरोकार बताया। जारी किया था, मालूम है ना आपको, मालूम है कि जितने भी लोग आतंकवाद के केस में पकड़े गए हैं इन लोगों का पुनर्विचार हो और उनको छोड़ा जाए। अमित शाह ने मुलायम पर सादा जमकर निशाना, कहा उनका समाजवाद पूरी तरह परिवारवाद में बदल गया। आज तक से खास बातचीत में बोले मुलायम, कहा हमें अमित शाह जैसे लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अमित शाह क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या हैं, उनके बारे में बोलना ही उचित नहीं होगा, सारा देश जानता है। लेकिन विचित्र स्थिति है कि अमित शाह जैसे लोग चुनाव इंचार्ज यूपी में भेजे जाए। आयोग के निष्पक्ष चुनाव के दावों पर मोदी ने उठाए सवाल, कहा यूपी में पोलिंग बूथों पर हो रही गुंडागर्दी, मुलायम ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मोदी की गब्बर सिंह से की तुलना, कहा शहर में मोदी का पोस्टर देख शोले फिल्म का गब्बर याद आ गया। मुझे कल एक पोस्टर देखने को मिला वाराणसी में, आप लोग सब थे, उसमें लिखा था पोस्टर में मोदी जी की का चित्र था और लिखा था मोदी आने वाला, मैं डर गया और मुझे गब्बर सिंह याद आ गया। बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस के बड़े नेता पर किया वार, कहा चुनाव तक एयर कंडीशन कमरे में आराम करे जयराम रमेश। एयर कंडीशन में आराम करें, उनको जमीन का पता नहीं है, वो विदेश से पढ़ के आए हैं, दिल्ली में रहें आराम करें तो अच्छा है। अमेठी के अलावा आज मोदी की यूपी में कई जगहों पर चुनावी सभाएं, चार रैलियों को संबोधित करेंगे मोदी। सुबह 10:30 बजे अम्बेडकर नगर में होंगे मोदी, अमेठी पहुंचने से पहले फैजाबाद, जौनपुर और कौशाम्बी में रैली। आज यूपी में 3 जगहों पर राहुल की चुनावी सभाएं, गोंडा में 2 रैलियां। गोंडा के बाद इलाहाबाद जाएंगे राहुल, दोपहर 3:30 बजे करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज बिहार में रैली, दोपहर 3 बजे मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा। गुजरात जासूसी कांड की जांच पर यूपीए में सामने आया मतभेद, एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए सवाल। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा ये कोई उचित कदम नहीं, बोले शरद पवार ने फोन पर पीएम के सामने रखी अपनी राय। ये कोई उचित कदम नहीं होगा ऐसा एनसीपी का मानना है और इसके बारे में जो भी हमारे पार्टी की जो हमारी विचार है, हमारी राय है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने फोन द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हमारी राय बताई। जम्मू कश्मीर का सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूछा कार्यकाल के आखिरी दिनों में जज की नियुक्ति का फैसला क्यों।
टूजी घोटाले में आज से सीबीआई कोर्ट में आरोपियों का दर्ज होगा बयान। पूर्व संचार मंत्री ए राजा कनिमोड़ी समेत 17 आरोपियों के दर्ज होंगे बयान। दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। याचिका दाखिल करने वाले अभिभावकों को मिल सकता है ट्रांसफर कोटे का लाभ। स्कूलों ने जताई थी आपत्ति। दिल्ली के लोगों की बढ़ सकती है मुसीबतें। राजधानी में आज से ऑटो चालकों की हड़ताल। ऑटो यूनियन जीपीएस सिस्टम लगाए जाने का कर रहा है विरोध। पुराने ऑटो में जीपीएस सिस्टम लगाने पर ही मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। आज से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। रविवार को केदारनाथ के खोले गए थे कपाट। दिल्ली के जगतपुरी में रोड रेज का सनसनीखेज मामला। सेंट्रो कार में सवार लोगों ने मिनी बस के ड्राइवर को मारी गोली। साइड नहीं दिए जाने पर कार में सवार लोगों ने बस चालक को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती बस ड्राइवर की हालत नाजुक। दिल्ली के रजौरी गार्डन में लेडी दारोगा की दबंगई। ओवरटेक करने पर एक शख्स की पिटाई। लेडी दारोगा की हरकत से नाराज लोगों ने किया जमकर हंगामा। भीड़ में मौजूद लोगों ने की पुलिस वालों की पिटाई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में खुदकुशी की 3 वारदातों से सनसनी। सिहानी गेट इलाके में 3 लोगों ने पंखे से लटक कर दी जान। आईपीएल में बैंगलोर के हैदराबाद के ऊपर धमाकेदार जीत। एबी डिविलियर्स ने खेली 89 रनों की नाबाद आतिशी पारी। हैदराबाद ने बैंगलोर के सामने रखा था 156 रन का लक्ष्य। एक गेंद रहते बैंगलोर ने 4 विकेट से जीता मैच। हैदराबाद की ओर से डेविड वॉर्नर ने बनाए सबसे ज्यादा 61 रन। कप्तान शिखर धवन ने खेली 37 रनों की पारी। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में भिड़ंत। पिछले मुकाबले में जीत से राजस्थान का हौसला बुलंद। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। रात 8 बजे कोटला में खेला जाएगा मैच। यूक्रेन के ओडेसा में सरकारी समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प में 42 लोगों की मौत। फौज ने पूरे शहर की घेराबंदी की। अफगानिस्तान में भूस्खलन से भारी तबाही। करीब 2700 लोगों के मारे जाने की खबर। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी। बदख्शां प्रांत में हुए भूस्खलन में हजारों लोगों के लापता होने की भी खबर। मलबे में अब भी लोगों के दबे होने की आशंका। अमेरिका के रोड आइलैंड में एक सर्कस में हादसा। हवा में करतब दिखाने के दौरान 20 घायल। 9 की हालत गंभीर। ब्राजील के साओ पाउलो में गे परेड का आयोजन। परेड में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा।